नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बरेली के आंवला में जल निगम की घोर लापरवाही, टंकी के पानी में आ रहे कीड़े। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली के आंवला के ब्लैक रामनगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरसेर सिकंदरपुर में जल निगम के द्वारा बनी टंकी, जिसका जल प्रदाय का समय सुबह 5 बजे से 12 बजे तक चलती है। ग्रामीणों ने बताया कि आज सुबह से ही टंकी के पानी में बहुत सारे कीड़े आ रहे हैं। इस टंकी के पानी को नहाने पीने पर खाना बनाने में उसे उपयोग करते हैं। जल निगम की घोर लापरवाही के चलते ग्रामीणों का कहना है कि जल निगम हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। उस पानी को उपयोग करने से संक्रमित बीमारी फैलने की आशंका है, इसे जल्द से जल्द रोका जाए। ऑपरेटर हरिशंकर वर्मा ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने रोड की मैन लाइन खराब होने के कारण टैंक 1 महीने से ओवरलोड हो गया था, जिसे आज खाली किया गया है। जिन ग्रामीणों के मेरे पास फोन नंबर थे, मैंने उनको फोन के द्वारा सूचना दे दी थी कि आज इस पानी को इस्तेमाल न करें। यहाँ टंकी के पानी को शुद्ध रखने के लिए ना कोई अभी केमिकल आ रहा है, ना ही दवा। बरेली से डिवीजन हेड सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? आज इस पानी में आज ही सुबह से देखा सर हमने तो। मैं सोने दे रही बाइक। कब से आ रहा है ये? आज सुबह से ही आ रही है। हम तो इसे पी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। और भाई कब से आ रही है ये? तो मैं कह रही देखी तो आ जाए, कब तो कब से आ रही है? कितने टाइम से कितने टाइम तक आती है टंकी ये? मुश्किल से वो चलती है 20 मिनट लगभग। तीनों टाइम चल रही है? हाँ ना, 2 बार चल रही है, शाम को सुबह को। सुबह वो चलती है 11 बजे के आसपास। सुबह की तो आती है, हाँ, वो सुबह 12 बजे आ जाती है। यहाँ टंकी पर सुपरवाइजर कौन है? हरिशंकर। अच्छा, कैद की है? ना अभी नहीं।